गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक इन अवर टुडेज EVS क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज ट्रैवल टाइम। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ? ओके स्टूडेंट्स, अब सबको पता है ट्रैवल मतलब क्या। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवल? ये वेरी गुड, ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या फिर मुसाफरी करना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैवल कहते हैं। ओके, तो हम लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, फिर कई अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कभी हम फ्रेंड्स के घर जाते हैं, फिर जब वैकेशन होता है तो कभी कभी हम दूसरे सिटीज़ में भी जाते हैं, कभी कभी हम अपने दादा दादी के पास गांव में भी जाते हैं, तो कभी घूमने के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? ट्रैवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैवल कहते हैं। हमारे पापा भी कभी कभी बिजनेस पर्पस के लिए कहीं बाहर जाते हैं, है ना? तो ये सबको हम क्या कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह को जाना, ट्रैवल। तो पहले के ज़माने में पीपल के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, यानी कि एक जगह से अगर उनको दूसरी जगह पर जाना है, अभी तो हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं ना। तो पहले के ज़माने में ना तो कोई ट्रेन थी, ना कोई बस थी, ना एरोप्लेन था, ना खुद की कार थी, तो फिर ये लोग कैसे ट्रैवल करते थे? तो अगर उनको कहीं पर भी जाना है तो ये लोग चल के ही जाते थे, और उनका जो भी सामान होता है वो अपने पीठ या तो फिर सिर के ऊपर रख के ट्रैवल करते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, कैमल्स, डोंकीज, ये सब एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू किया। फिर ये एनिमल्स को वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। पहले तो वो लोग चल के ही जाते थे, फिर धीमे धीमे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया। फिर कौन कौन से एनिमल्स वो लोग पालते थे? तो हॉर्स, कैमल, एलिफेंट्स, डोंकीज, है ना, उन सबको ये टेम करते थे। फिर ये एनिमल्स को वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे। फिर धीमे धीमे व्हील का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने व्हील फाइंड किया। तो जब व्हील फाइंड किया तो पूरी ट्रांसपोर्टेशन की जो मेथड थी वही पूरी चेंज हो गई ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने काट के व्हील्स बनाने लगे। पहले तो वो लोग क्या करते थे? एनिमल्स को खींच के लेके जाते थे, फिर जो काट थे उसके नीचे उन्होंने पहिया लगाना शुरू किया। फिर धीमे धीमे इंजिन फाइंड किए, और जब इंजिन फाइंड किया तो लोग व्हीकल्स बनाने लगे। और जब एक जगह से दूसरे जगह जाना था तब हम किस में जाते थे? ये व्हीकल्स में ही जाते थे। और ये जो व्हीकल्स है उसको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम हमारे आसपास काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, है ना, जैसे कि कार, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, तो दिस ऑल आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक बार फिर समझ लेते हैं कि पहले के ज़माने में लोग क्या कैसे ट्रैवल करते थे। उन लोगों के पास तो कोई व्हीकल्स नहीं थे, कोई कार नहीं थी, तो ये लोग कैसे ट्रैवल करते थे? चल के। फिर उनका जो भी सामान था वो कहाँ पर रखते थे? अपने सिर के ऊपर या तो फिर पीठ ऊपर वो लेके जाते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, फिर वो एनिमल्स के काट बनाते थे, और फिर ये एनिमल्स को काट के साथ जोड़ देते थे, और फिर उनके साथ वो खींच के लेके जाते, ताकि जो भी अपना सामान हो वो काट में रखते थे और एनिमल्स वो काट को खींच के जाते थे एक दूसरे की दूसरी जगह पर। फिर धीमे धीमे उन्होंने व्हील फाइंड किया, तो ये व्हील फाइंड किया, फिर वो व्हील को
जो कैरियर्स थे कार्ड थे उनके नीचे लगाए, फिर वो कार्ड के ऊपर ट्रैवल करते थे। फिर धीमे धीमे ये व्हील्स से उन्होंने व्हीकल्स बनाए, और जब व्हीकल्स बने तो उसको हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अब हम जानते हैं। तो अब सबको पता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी अलग अलग है। कार्स, अभी तो हम कार यूज़ करते हैं, बस में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हो और प्लेन में भी बैठ के जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ टेक आउट योर लर्निंग सीरीज बुक, ओपन पेज नंबर 49। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ, सो वी विल स्टार्ट रीड। राइट योर नेम हियर, राइट हियर टूडेज डेट, ट्रैवल टाइम। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे। दे गो टू अदर विलेजेस, टाउन्स और सिटीज टू विजिट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली और फॉर सम बिजनेस पर्पस। Sometimes they travel to foreign countries too. Long ago, people did not have means of transport. They moved from one place to another on foot. They used to carry their goods on their head or back. Later on, they started taming animals like horses, elephants, camels, donkeys, etc. They used them for transportation. They began to move from one place to another on the back of horses, camels, elephants, etc. and carried their goods on them. Invention of wheel changed the method of transport for human beings. With the invention of wheel, they could make carts and carriages pulled by animals. Later on, they started using motorized engines to pull the carts and carriages. Thus, they started using different kinds of vehicles to move from one place to another. The vehicles which are used for transportation are known as the means of transport. We see around us variety of means of transport like cars, trains, ships, aeroplane, etc. Okay students, I hope you all of you have understood this class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.